यह सोचकर कि अब मुंबई की बैठक में नेता घोषित किया जाएगा उन नीतीश जी को या संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और लगातार लालू जी संकेत पटना की बैठक। गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के कैल गई भव्य स्वागत कार्यकर्ता में दिखे के मिलल एगो अलगे जोश। जी हाँ, खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर तनी विस्तार से जानी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शनिचर के बक्सर पहुँचनी। पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा ही गर्मजोशी के साथ हुनकर स्वागत कइल। बीच बीच में कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारा लगावत दिखल लोग। इस दौरान सड़क शहर के सुरक्षा में तैनात जवान आगे पीछे देखत रहल हन। अपन दो दिवसीय कार्यक्रम के लेके राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा शनिचर के बक्सर पहुँचल रही। सीमा में प्रवेश करे से पहले ही पुराना भोजपुर में कार्यकर्ता भव्य उत्साह के साथ स्वागत कइल गए कई लोग। मुख्यालय पे पहुँचे के दौरान भी ज्योति चौक पे स्वागत के बाद पूरा नगर में बाइक के साथ भ्रमण कई लोग। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा अपन वाहन में सीट बेल्ट लगैले देखनी, लेकिन कार्यकर्ता जवन बाड़े कई लोग के कपार पर हेलमेटे ना रहे। स्थानीय लोग यही चीज के सोशल मीडिया पर डाल दीहल। ओहिए मुख्यालय डीएसपी कहनी कि हमारा भीरी ऐसा कोनो सोशल मीडिया के वीडियो नहीं खे आए। रउरा सबके बता दी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गैला के बाद यह कार्यकर्ता लोग के अंदर एगो अलग उत्साह जोश के देखे के मिल रहा बटुए। कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश और उत्साह रहे जेकरा के देखे बनत रहे। वही जे पत्रकार के सवाल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहनी कि नीतीश बाबू के सपना मुंबई में अधूरा हो गई। सोचले रही कि हमरा के संयोजक बनावल जाई आ चाहे प्रधानमंत्री के चेहरा दिखावल जाई, लेकिन शुरू से यहाँ के कहनी कि हम इशारा दे तनी कि लालू यादव शुरू से राहुल गांधी के तरफ इशारा कर रहल बानी, सपना अधूरा रह जाए। बयान दिया है उन्होंने, कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से पूरे देश में वो अब विशेष अभियान चलाएंगे। हालांकि जो कल बैठक हुई है 14 मिनट की भाषण में लालू प्रसाद ने उनका नाम तक नहीं लिया है, अब वो विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक किसी की दुर्गति होगी तो नीतीश कुमार जी की होगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जेडीयू के लोग कल दिन भर काफ़ी खुश थे यह सोचकर कि अब मुंबई की बैठक में नेता घोषित किया जाएगा उन नीतीश जी को या संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और लगातार लालू जी संकेत पटना की बैठक से ही दे रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सारी चीज़ें होंगी। मुंबई में भी इसी तरह का कुछ दिखा, तो इस परिस्थिति में अब नीतीश जी कुछ भी बोलें उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे नुकसान अगर किसी का होना है तो नीतीश जी का होना। सर, जिस तरह से कहा गया है कि राहुल गांधी तैयारी किए तो इलेक्शन केवल एक छटपटाहट है बीजेपी का इंडिया को बैठक को लेकर के, और ये बकवास बातें हैं। देखिए, यह बात तेजस्वी जी को समझ में नहीं आएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है। कोई यह आज चर्चा इस पर शुरू हुई है ऐसा नहीं है। इसके पहले कई बार अलग अलग समय पर देश की कई संवैधानिक संस्थाओं ने भी अपनी राय दी है और उसने भी कहा है, और जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अगला 4 चुनाव तक एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता था, तो उस वक्त बड़ी आसानी से सारी चीज़ें हो जा रही थी। बाद में चलकर कुछ विधानसभा पहले भंग हुई अलग अलग कारणों से, तो तारीखें बदलती चली गई जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी। इसलिए यह बहुत ही अच्छी राय है, अच्छा विचार है। देखिए आगे क्या होता है।